अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईद का दिन है और ईद के दिनों में सबके घरों में गोश्त ज़रूर होता है और उस गोश्त को किस तरीके से खाया जाता है ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं आज टिक्का बना रहा था और टिक्का कैसे बनाया जाता है आप दोस्तों से भी मैं शेयर कर रहा हूँ। उसमें कौन कौन सी चीज़ें डाली जाती हैं, जैसे बाज़ार में टिक्का तैयार होता है बीफ का मटन का, उसी तरह आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छा टिक्का बनता है, मैं आपको बना के दिखाऊंगा और उसमें कौन कौन सी चीज़ें डाली जाती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सिंपली आप किसी भी चीज़ से, किसी भी भट्टी वगैरह जो होती है उसकी ज़रूरत नहीं होती, कोई भी तसला वगैरह आप उसमें कोले डाल के बना सकते हैं। बहुत आसान तरीकाकार है, मैं सारी वीडियो मैं आपको दिखाऊँगा। आप सबको मैं सिर्फ ये खाने की वीडियो, टिक्के की वीडियो सिर्फ ईद पर ही बना रहा हूँ मैं, मेरा चैनल खाने पीने का नहीं है। मैं ज़्यादातर होम ट्रिक्स के बारे में वीडियो बनाता हूँ, जो आपके घर में ज़रूरत की चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और उसे रिपेयर कैसे किया जाता है उसके बारे में वीडियो देता हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और दोस्तों से शेयर ज़रूर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।